उन्हें सीरियस सिनेमा का एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर माना जाता है. सपोजिटली ही इज डन मूवीज एंड ऑल्सो मेड देम अ कमर्शियल हिट विद टॉपिक्स लाइक राजनीति. एंड नाउ ही इज कम अप विद आरक्षण. अलॉन्ग विद हिम आई अगेन हैव अ ब्रिलियंट एक्टर हु इज नोन फॉर हिज सीरियसनेस. आर दे गोना बी सीरियस इन दिस इंटरव्यू? आई होप नॉट. सो सी सो why is it everybody is tells me Jha is serious, you know, sets pe wo is hard task master hai. Kahin na kahin joke chal raha tha thodi der pehle bhi, maine just suna conversation. Aap aise nahi ki hai? Main bilkul hu. Main 100% hard task master hu aur main bahut serious kisam ka aadmi hu. Aap humko bahut seriously lijiye, samjhi na aap ji. Why was he your best choice? He's the best actor. He's most suited for that character, and not only that character. Whatever character I have worked with him, and the way he takes his role, and the way, you know, I needed kind of negativity from that character, which needed to be portrayed, you know, because he epitomizes commercialism. Manoj, I want to ask you this question: is it difficult when you have actors like Mr. Bachchan? Directors like Mr. Prakash Jha, because the pressure doubles. I feel like you have to have fantastic actors in front of you. When you have a fantastic director to direct you, you should be rather easy and just do your job as seriously as possible, because you are there to be taken care of, you are there to be cushioned, you are there to be backed up. You know, fantastically by, amazingly by Mr. Bachchan or Mr. Prakash Jha. So your job becomes very, very easy because you are not worried about the outside obstacles. But he has prepared a lot beforehand. We have had sessions. Okay. He knows about the character. He has worked it out. So when he is on the set, yes, we really actually have fun on the set because we've all done our homework. Yeah. What are you saying? This is the same thing that, you know, political parties, how बैकलैश करते हैं इस तरह के इश्यूज पे, जब रियल इश्यूज आते हैं, जब You know, एक नॉर्मल मूवी की तरह, एक स्टोरी की तरह आप कहानी बता रहे हैं, मगर उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है. क्या बता रहे हैं? नहीं, जो भी जैसे पिछली बार में जो भी हिस्ट्री रही है इस तरह की, बैकलैशेस की, वो उन उस क्वार्टर से आती है जो लोग फिल्म को जानते नहीं, फिल्म के बारे में उनको पूरी तरीके से पता नहीं है. एक आइडिया ऑफ द फिल्म होती है, ये या जो मीडिया से मिलती है, मीडिया ने भी फिल्म नहीं देखी होती है. तो एनीबडी इज़ अप्रिहेंसिव. कहीं आपने फेस किया हो इस तरह का आरक्षण प्रॉब्लम कभी भी, या किसी आपके रिश्तेदार ने, अपने सुना हो कि उनको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि किसी कॉलेज में एडमिशन करानी थी आपके किसी कज़न की, या व्हाटएवर, ऐसा कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ आपके साथ कभी भी? देखिए, आसपास में चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे साथ में, मैंने जंजीर फिल्म देखी थी अमित जी की, उसके बाद अभिनेता बनने का ही सोचा और हमारे अभिनय में आरक्षण नहीं होता है. आपने बहुत सारे टिप्स दिए थे प्रतीक को उनकी लव लाइफ के बारे में, फिर आपने संतुलन सही रखने के लिए कोई टिप जो आपने इनको, कोई स्पेशल टिप जो मनोज को भी दिया था आपने? कि देखिए, ये तो हमारे आपस की बात है, मैं उसको उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वो जो है वो सब चलता रहता है हमारे बीच में. ये क्या, हमारा तो पड़ोसी है ना. मेरे और प्रकाश जी के बीच में जिस तरह का इक्वेशन है, उसमें ये टिप दे रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है. I regard him as my elder brother. आपको क्या लगा, प्रतीक ने आपकी बात मानी, कुछ असर हुआ उस पर आपको लगा? सब मानते ही है ना, हमारा एक्सपीरियंस है. मेरी उसके जन्म से पहले से मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, तो मानेगा नहीं कैसे वो. बिल्कुल. और उसका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होता रहता है, तो उसको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके बताए उसको. ओके. ऑल्सो जो पिक्चर्स हम देखते थे कि हमेशा सर फोन पे होता था. हाँ, वो बहुत एक्सपर्ट है टेक्स्ट करने में. वो फोन में बात नहीं करता ज़्यादा, वो सिर्फ टेक्स्टिंग में बहुत एक्सपर्ट है. किसको कर रहे होंगे सर? वो अगले, हाँ दूसरे अगले प्रोजेक्ट के बारे में, अगले अपनी जो प्रोडक्शन चले, अपने होम प्रोडक्शन के बारे में. वेल, वी जस्ट सॉ कि प्रकाश जी बिल्कुल इतने सीरियस नहीं है, और मनोज जी तक खैर सीरियस है ही नहीं है, मगर बच के रहिए मनोज जी से, बच के रहिएगा.